नमस्कार, वीएमएफ भारत टीवी में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका शर्मा। बुलेटिन से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। सरदार शहर में कृषि मंडी के व्यापारी के साथ 12,80,000 रुपए की लूट, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। जयपुर में राज्य खेलों के उद्घाटन समारोह के हॉल ऑफ फेम में शामिल होंगे 70 दिग्गज खिलाड़ी, तैयारी व्यवस्थाओं की ली गई समीक्षा। परिवहन मंत्री खाचरेवास की नई साल की नई पहल, हफ्ते में एक दिन साइकिल से जाएंगे सचिवालय। रुक करते हैं खबरों की ओर। सरदार शहर में दिन प्रतिदिन अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन अपराधी खुलेआम किसी न किसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जिसके चलते आमजन में भय व्याप्त है। जी हां, देर रात बहादुर सिंह कॉलोनी के पास कृषि मंडी के व्यापारी के साथ 12,80,000 रुपए की लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार कृषि मंडी व्यापारी सौरभ सारातुस्वरी अपने प्रतिष्ठान को बंद कर शाम को घर जा रहा था। इसी दौरान रात के अंधेरे में कार में सवार होकर आए 5 लुटेरों ने गन पॉइंट पर व्यवसायी से मारपीट कर रुपयों से भरा बैग छीन लिया। इस दौरान आगे जाकर लुटेरों की गाड़ी अन्य वाहन से जा टकराई, जिससे लुटेरे गाड़ी छोड़कर भाग निकले। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, पुलिस को घटना की सूचना दी, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस ने अपराध में काम में ली गई गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं घटना के बाद शहर के मंडी व्यवसायियों में भारी आक्रोश भी व्याप्त है। राजस्थान में पहली बार आयोजित हो रहे राज्य खेलों के दौरान ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, एशियाई, पैरा एशियाई, कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता, अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं को 2 जनवरी को आयोजित होने वाले राज्य खेलों के उद्घाटन समारोह के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। करीब 70 दिग्गजों के नाम हॉल ऑफ फेम के लिए फाइनल किए गए हैं। राज्य खेलों की तैयारी व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए सोमवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेल मंत्री अशोक चांदना ने मीटिंग ली। इस मीटिंग में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। खेल परिषद के प्रतिनिधि आयुष भारद्वाज ने बताया कि 2 जनवरी को होने वाले भव्य उद्घाटन समारोह में 30,000 से अधिक बालक बालिका व खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। खेल परिषद के अधिकारियों ने मुख्य खेल मैदान का भी जायजा लिया। वहीं राजनीति में मंत्री पद की चाहत पूरी होने के बाद लाल बत्ती वाली गाड़ी, ड्राइवर, नौकर, चाकर जैसी शानो शौकत आम बात हो जाती है, लेकिन राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरेवास ने वीवीआईपी कल्चर को छोड़कर राजनीति में एक नई पहल की शुरुआत की है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरेवास ने अपने घर से दफ्तर तक हफ्ते में एक दिन साइकिल से यात्रा शुरू कर दी है। साइकिल यात्रा शुरू करने के बाद अब परिवहन महकमे में मुखिया हफ्ते में एक दिन पैदल और एक दिन मोटरबाइक से दफ्तर जाने की योजना बना रहे हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरेवास ने सचिवालय स्थित दफ्तर पहुंचने के लिए साल के पहले दिन ही अपने सिविल लाइन स्थित आवास से साइकिल से सफर शुरू किया है। मंत्री प्रताप सिंह ने अपने भारी भरकम सरकारी लवाज में लग्जरी गाड़ियों को छोड़कर आमजन की तरह साइकिल चलाई। मंत्री प्रताप सिंह ने घर से दफ्तर का करीब 3.5 किलोमीटर तक का सफर साइकिल से लगभग 25 मिनट में पूरा कर लिया। हालांकि सिविल लाइन क्षेत्र में ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए 3.5 किलोमीटर का सफर लग्जरी वाहन से इससे भी ज्यादा समय में पूरा होता है। कर दिया कोटा के हॉस्पिटल हो चाहे राजस्थान का कोई हॉस्पिटल हो, आप जानते हैं आप हमारी नियत पर सवाल कैसे उठा सकते हैं। राजस्थान की वही सरकार आज, वही मुख्यमंत्री आज राजस्थान में है, जिसने पूरी दुनिया में मिसाल पेश की, जिस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहली बार पूरी दुनिया में, मैं कह रहा हूँ चैलेंज पूरे वर्ल्ड में, किसी लीडर ने आगे आकर कहा था दवाइयां फ्री, कोई भी जाए अमीर गरीब सबके लिए दवाइयां फ्री, दवाई के नाम पर उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता है 20-25 हजार के इंजेक्शन फ्री है राजस्थान की सरकार में। आज सरकार को कोई चुनौती कैसे दे सकता है? यही बीजेपी के लोग जो कल तक कहते थे दवाई नहीं जहर बांट रही है कांग्रेस की सरकार, बाद में उन्होंने उस दवाई योजना को क्यों मानना पड़ा? आज सारी दवाइयां फ्री है, जांचें फ्री है, कैंसर, किडनी, हार्ट, लीवर सबके इलाज फ्री है। ऐसे में यदि डेथ हो रही है तो ये चुनौती है, क्या कारण है, ऐसी क्या कौन सी
बीमारी है जो पकड़ में नहीं आ रही है उसके लिए जी जान से डॉक्टर जुटे हुए हैं। यदि सरकार की नीयत पर यदि कोई सवाल खड़े करता है तो पाप करता है, पापी है बीजेपी के लोग, उनसे पूछो। बताओ राजस्थान में, राजस्थान वो स्टेट है जिसको पूरी दुनिया के नेता आकर स्टडी कर रहे हैं कि आखिर दवाइयां फ्री कैसे की, यही तो चल रहा है। दवाई फ्री करना आसान है, आज जाकर देखो आप कोई भी हॉस्पिटल डिस्पेंसरी, मेरे साथ चलो, करीने से दवाइयां जमी हुई है, हर व्यक्ति को दवाई मिल रही है। कोई शिकायत कर रहा है? ये जनता की शिकायत नहीं है, डेथ का मुद्दा विपक्ष बना रहा है, जनता जानती है। और यदि कोई डॉक्टर या कोई कमी है वो कमी रहने देंगे, किसी कीमत में हमारी जान चली जाए, लेकिन राजस्थान के बच्चों को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, उसमें कोई कमी नहीं रखेंगे। नरसेवा नारायण सेवा के श्लोक को मानते हुए सारथल पुलिस महकमे द्वारा सेवा भाव के आधार पर क्षेत्र में जारी हाड़ कपा देने वाली शीतलहर से गरीब और असहाय मासूम बच्चों को राहत देने के लिए इस ठंड में गर्म कपड़ों के रूप में ऊनी स्वेटर, जर्सी, जैकेट आदि अपने हाथों से पुलिस द्वारा वितरित किए गए। साथ ही बच्चों को अल्पाहार के रूप में बिस्किट आदि भी वितरित किए गए। वहीं भेंट स्वरूप प्राप्त हुई वस्तुओं को पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। चित्तौड़गढ़ में मुंबई से दिल्ली तक युद्ध में विकलांग हुए सैनिकों की सहायता और लोगों को उन दिव्यांग सैनिकों के प्रति जागरूक करने के लिए निकले दो धारक चित्तौड़गढ़ पहुंचे। जी हां, इन धारकों को पहुंचने पर जोरदार भव्य स्वागत किया गया। यह कार्यक्रम दिव्यांग ट्यून मैरी टेक्निकल इंस्टीट्यूट पुणे के तत्वाधान में सैनिकों के सहयोग के लिए आयोजित किया गया। फिलहाल आप राजस्थान में इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए व्यामा भारत टीवी के साथ। नमस्कार।